ओलंपिक में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दुनिया भर से उनके लिए शुभकामनाएं संदेश का तांता लगा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा के साथ अरशद नदीम भी खेल रहे थे। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा की तारीफ सरहद पार भी जमकर हो रही है। नीरज की तारीफ में पाकिस्तान के खिलाड़ी, पत्रकार और स्थानीय भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने खेल में अरशद नदीम की क्षमता की तारीफ की। उन्होंने मीडिया से कहा कि अरशद नदीम का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो पदक नहीं जीत सके। अच्छा होता अगर एक और एशियाई देश के खाते में मेडल आ जाता। नीरज की इस परिपक्वता की पाकिस्तान में भी खूब तारीफ हो रही। पीटीवी स्पोर्ट्स ने ट्विटर पर नीरज के बयान को शेयर करते हुए लिखा, खेल में कोई सीमा नहीं होती, नीरज वाकई चैंपियन बनने के हकदार हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार कामरान यूसुफ ने लिखा, पहले अरशद ने नीरज को अपना आदर्श बनाया और अब नीरज ने कहा कि वो पोडियम पर अरशद को देखना चाहते थे। काश हमारे नेताओं की भी ऐसी ही सोच होती। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, नीरज ने खेल की भावना का प्रदर्शन किया है, उन्होंने बहुत ही अनोखा संदेश दिया है। खेल में कोई सीमाएं नहीं होती और ये हमेशा शांति लाने में मदद करता है। इसी तारीफ के बीच अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल नीरज के गोल जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम ने बधाई दी थी। अरशद नदीम भी जेवलिन थ्रो के फाइनल में थे और 5वें नंबर पर रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान नीरज ने कहा कि अगर अरशद नदीम पोडियम पर होते तो अच्छा होता। अरशद नदीम की हार और पाकिस्तान के ओलंपिक में खराब प्रदर्शन ने वहां की इमरान खान को निशाने पर ले लिया है। पाकिस्तान की जनता सरकार से सवाल पूछने लगी है। ओलंपिक में इस बार पाकिस्तान के सिर्फ 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इतने कम खिलाड़ियों के ओलंपिक में जाने पर भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और इमरान सरकार के उन दावों पर सवाल उठा रही है जिनमें की खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा का दावा कर रहे थे। लोगों का कहना है कि इमरान खान की सरकार अगर बेहतर सुविधा दे रही होती तो फिर इतने कम खिलाड़ी ओलंपिक में कैसे गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम एक बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन उनके साथ गए सदस्य की संजीदगी का अंदाजा इसी से लगता है कि फाइनल में अरशद जब भाला फेंकने की तैयारी कर रहे थे तब उनके कोच फोन पर बात कर रहे थे, जिससे अरशद को टाइम का पता ही नहीं चला और फिर जल्दबाजी में भाला फेंकना पड़ गया। यही नहीं, एक समय में हॉकी में पाकिस्तान के पास बेहतरीन टीम थी, लेकिन पिछले 2 बार से पाकिस्तानी हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का हाल ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने सरकार को 20 करोड़ रुपया ये कहते हुए लौटा दिया कि वो इन पैसों को खर्च करने में नाकाम रही है। वो इस मुकाबले में 5वें पायदान पर रहे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिली जीत को लेकर पाकिस्तान में तारीफ का तांता लग गया है। नीरज चोपड़ा ने 16 जुलाई को अपने एक ट्वीट में लिखा था, टोक्यो ओलंपिक 2020 की तैयारी में मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दी गई है। मैं अभी यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुश्किल वीजा नियमों के बावजूद मुझे सरकार और भारतीय दूतावास की तरफ से भरपूर मदद मिली, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। नीरज चोपड़ा के ट्वीट के साथ पाकिस्तानी पत्रकार शिराज ने अरशद के पिता के बयान को साझा किया है। अरशद के पिता मोहम्मद अशरफ ने कहा कि उनके बेटे पहले क्रिकेट में जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ही भाला फेंकने के लिए प्रेरित किया था। अशरफ राजमिस्त्री हैं और इसी की कमाई से वे अपने बेटे को ट्रेनिंग करवाते हैं। अरशद गलियों और घरों में ही ट्रेनिंग करते हैं।